सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कर्लीज़ के तमाम फ्लेवर्स। तीन न्यू फ्लेवर्स आए हैं, इनका आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे, तो वीडियो बहुत समझदार होने वाली है। इसी वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कर्लीज़ के तीन फ्लेवर मौजूद हैं, जो कि है बारबेक्यू हर्ब्स एंड योगर्ट, और यहाँ पर है कैचअप वाला, कैची कैचअप वाला फ्लेवर है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बारबेक्यू फ्लेवर को ओपन कर देखते हैं, जो कि है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में भी मज़ेदार लग रहा है, और डार्क जो है रेड कलर का है। कर्लीज़ लिखा हुआ है, बारबेक्यू फ्लेवर, पोटैटो चिप्स लिखा हुआ है, यहाँ पर चिप्स बनी हुई हैं। ऊपर स्नैक सिटी की तरफ से आता है, और यहाँ इसकी प्राइस जो है 30 रुपीज़ है। और बैक साइड पे ये सिल्वर कलर के इसके इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशंस वगैरह लिखे हुए हैं, और इसके अलावा ये सॉल्ट और मसाला फ्लेवर के भी अंदर है, जो कि जो है ओल्ड फ्लेवर्स हैं। लेकिन ये आज मैं आपके लिए बारबेक्यू फ्लेवर लेके आया हूँ। इसका ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर से किस तरह के फ्लेवर के हमें न्यू कर्लीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ के अंदर काफ़ी जो है कम क्वांटिटी के अंदर कर्लीज़ दी गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी है, लेकिन 30 रुपीज़ के लिहाज से जो है पहले जो है 10 रुपीज़ में इतनी आती थी। जो आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर की, ऊपर थोड़ा सा मसाला है, इसका टेस्ट चेक करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, बारबेक्यू फ्लेवर इसके से अंदर आ रहा है, और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मज़ेदार, काफ़ी अच्छा है, मुझे टेस्ट लगा, लेकिन क्वांटिटी जो काफ़ी ज़्यादा कम दी गई है। टेस्ट ओवरऑल ठीक ठाक है इसका, मज़ेदार लगे मुझे। तुम अपने नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ चलते हैं, जो कि हर्ब एंड योगर्ट। आप देख सकते हैं कर्लीज़ लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का पैकेट, और इसके ऊपर भी चिप्स बनी हुई है, ये भी 30 रुपीज़ वाला पैकेट है, और इसके भी इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशन बैक कार्ड लिखे हुए हैं। तो इसे ओपन करके देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट होगा। और ये वाला फ्लेवर जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है फ्लेवर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला फ्लेवर। और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी सेम उसी तरह की है, तो थोड़ी सी दी गई है, लेकिन ये भी वाइट कलर की है, इसके ऊपर जो है मसाला नहीं लगा हुआ है। तो उसका टेस्ट चेक करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, और ये फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हर्ब्स एंड योगर्ट वाला, उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम अपने लास्ट फ्लेवर की तरफ चलते हैं, जो कि कैची कैचअप, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये लाइट रेड कलर का है, और यहाँ पर भी चिप्स बनी हुई है, कैचअप फ्लेवर है, 30 रुपीज़ वाला पैकेट है, इसके इंग्रीडियंट न्यूट्रिशन वगैरह लिखे हुए हैं। तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे भी ओपन कर लिया, और आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी के अंदर हमें कर्लीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से खुशबू आ रही है, उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो इसका टेस्ट चेक करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, खट्टा फ्लेवर है, कैचअप फ्लेवर इसके अंदर अंदर आ रहा है, मसाला फ्लेवर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर से तमाम ही काफ़ी अच्छे होते हैं इसके कर्लीज़ के, लेकिन जो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम दी जाती है इसके अंदर। आपको कौन सा फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है ये जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इन्हें ट्राई किया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।